And learning needs submission. Amen. I know you are a man of authority. You have own authority. You have own leadership. And you are coming and, you know, and you are learning as a disciple. Because here we don't preach, we teach. Amen. So when you learn, it's good for you, for your own benefit, and for your own family, and it help you, it will help you in the ministry days to come. Okay. So eighth gate, today we will be learning, which gate? Horse gate. Shall you all say horse gate? Horse means aswa, aswa dwar, atat ghoda ka dwar. You understand? घोड़ा का द्वार मीन्स अवश्य वहां पर कौन रहता है घोड़े को रखते हैं इट वॉज नियर टू द स्टेबल हॉर्स स्टेबल ये जो द्वार था वो घोड़ों को रखने वाला क्या अस्तबल के सामने ओके सो टुडे वी विल बी लर्निंग ऑन द एट गेट दैट इज हॉर्स गेट इट वॉज वेरी क्लोज टू द किंग्स स्टेबल किंग्स पैलेस क्योंकि हॉर्स कैन नॉट बी केप्ट अवे फ्रॉम द किंग बिकॉज एनी टाइम इन इमरजेंसी ही हैज टू यूज द चैरियट एंड हॉर्स इज नीडेड क्योंकि ये राजा के पैलेस के सामने और ये द्वार आई विल शो यू दिस इज द वॉल ऑफ जेरूसलेम ये यरूशलेम का दीवार है चारों तरफ और इसमें कितने कितने द्वार बने हैं दस द्वार बने हैं देयर आर 10 गेट्स बिल्ट एंड इट इज मेंशन इन नेहेमिया चैप्टर 3 नेहेमिया 3 अध्याय में ही लिखा है एक ही अध्याय में सारे 10 गेट के विषय में लिखे हैं ओके सो वी ऑलरेडी लर्न्ड वी स्टार्टेड फ्रॉम शिप गेट फिश गेट ओर गेट वैली गेट डंग गेट फाउंटेन गेट वाटर गेट नाउ कम्स horse gate that means that gate was meant for the horses there was a stable nearby to the this gate and this was very close to the palace of the king raja ke rajmahal ke samne ye astabal hua karta tha aur ye gate wo astabal ke samne okay so it was called It was called Horse Gate. Okay. And horse, according to the Bible, always resembles, always denotes for the war. कई प्रकार के घोड़े हैं white है but you know, in a spiritual realm, आत्मिक रहस्य में ये घोड़ा किसको दर्शाता है युद्ध को ओके युद्ध को दर्शाता है ओके बिकॉज व्हेन देयर इज वॉर ब्रोक आउट किंग इमीडिएटली वांटेड दैट हॉर्स और चैरियट इन दोज डेज नाउ देयर आर स्कॉड मिसाइल्स दैट आर व्हाट एटम बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब दिस दैट बट इन दोज डेज देयर वॉज ओनली द हेल्प ऑफ हॉर्स और पेडेस्ट्रियन वॉर या तो पैदल उनको युद्ध करना पड़ता था नहीं तो घोड़े के ऊपर एंड द किंग नीडेड बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉर्सेस टू यूज इन द चैरियट वो रथ में यूज मैंने इस्तेमाल करने वाले अच्छे से अच्छे घोड़े को क्या करते थे वो इस्तेमाल करते थे सो दिस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस गेट हॉर्स गेट दिस मीन्स गेट ऑफ हॉर्स ये घोड़ों का क्या है विल रीड दैट स्क्रिप्चर विल रीड दैट स्क्रिप्चर नेहेमिया चैप्टर 3 वर्स 28 फर्स्ट रीड इन इंग्लिश देन इन हिंदी ओके द प्रीस्ट दे रिकंस्ट्रक्टेड और रीबिल्ड दैट हॉर्स गेट एवरीवन वॉर अगेंस्ट His oath. After them,
tempered Jadok, the son of Immer, or against his house. After him repaired also Shema, the son of Shemaiah, the keeper of the east gate. Okay, so let us just assume, just remember one thing, note one thing, the horse gate is repaired. That means there was a gate called horse gate. एक घोड़े के द्वार के विषय में लिखा गया है और घोड़े के द्वार का मतलब यह है कि उसके सामने घोड़े के अस्तबल ओके स्टेबल ऑफ हॉर्सेस यूज्ड टू बी देयर एंड इट वाज वेरी नियर टू द किंग्स पैलेस और राजा का राजमहल के नजदीकी वो था एंड इट इज रिलेटेड सो व्हेन यू से अबाउट हॉर्स सो वन ऑफ द हॉर्स इज रेड हॉर्स जब लाल घड़ घोड़े कितने रंग के होते हैं हाउ मेनी टेल मी विच कलर्स हैव यू सीन व्हाइट ओके ब्लैक ब्राउन रेड देन ग्रे ओके नाउ डेज ऑल व्हाट यू कॉल हाइब्रिड्स Now hybrid system is going on, so there is they can produce so many colors, but normally we see white, black, brown, red, and gray something. So when you say the red horse, that reflects the war. जब वो लाल घोड़े के विषय आप सुनते हो तो बाइबल सीधा ये कहता है को उस किसको जताता है किसको बताता है वो युद्ध को लड़ाई Okay, so let us, I'm not talking about the war now going on between Israel and Gaza, Russia and Ukraine. I'm not talking about, this kind of war will always will happen. And Jesus said, it is the beginning of the persecution. ये तो जो जब लड़ाई लड़ाई की चर्चा तो ये केवल शुरुआत है. It's only the beginning, not the end. It will happen. Don't worry. World War First already happened. When? 1945, 46. So, anytime there can be Third World War. People say already because Israel is involved, so there are more than 50% chances Third World War can break out. Okay? So, when you say red horse, What is resembles? War. I'm not talking about the physical war today. Because it is not related to us. इसके तो होते रहेंगे इसका साथ कोई हमें कोई लेना देना. I'm talking about the spiritual warfare. Amen. It has meaning, it has realm. उसका एक रहस्य है. Okay, we already read. नेहेमिया चैप्टर 3 वर्स 28 इन रीड इन हिंदी आल्सो घोड़ा फाटक के ऊपर मरम्मत की ओके सो देयर इज मेंशन अ गेट कॉल द हॉर्स गेट घोड़ा फाटक अथवा अश्वद्वार ओके Revelation chapter 19 verse 11. Prakashit Vakya 19 ka 11vi ayat ko hum padhenge. Just hold on. No, Revelation chapter 6, 3 and 4. Sorry. Revelation chapter 6, 3 and 4. When the Lamb opened the second shield, I heard the second living creature say, Come. Then another horse came out, and fiery red one,
means that is red horse, its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. To him was given a large sword. Hindi mein padhe. जब उसने दूसरी मोहर खोली मैंने दूसरे पानी प्राणी नहीं क्या कहा है ओके मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना है आ फिर एक और घोड़ा निकला देयर इज वन हॉर्स इज कमिंग अप एक घोड़ा निकल कर आता है एंड इट्स कलर वॉज रेड कौन सा कलर का है You can see the red horse. And what is happening? What is saying? Uske sawar, the one who was sitting on that red horse and power was given to him, usko ye shakti diya gaya tha. Kaun si shakti? Dekhi. Power to take peace from the earth. Prithibi mein jo mel hai, prithibi mein jo shanti hai, पृथ्वी में जो एकता है उसको क्या करने के लिए उसको निकालने के लिए उठाने के लिए दैट मीन्स टू रिमूव द पीस फ्रॉम अर्थ द पावर इज गिवन टू दिस रेड हॉर्स टू द मैन सिटिंग ऑन द रेड हॉर्स ये लाल घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति को लाल घोड़े को ये शक्ति दिया गया है क्योंकि पृथ्वी भी से सारे जो भी शांति है जो मेल मिलाप है उसको क्या कर ले उठा ले हटा ले दैट मीन्स वंस पीस इज टेकन आउट देर विल बी वॉर देर विल बी डिसएग्रीमेंट देर विल बी फाइटिंग देर विल बी क्वारलिंग ओके सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल कम एंड इज हैपनिंग देन To make people kill each other, कि एक दूसरे को क्या करे बद करे एक दूसरे को क्या मारना सो एक दूसरे को क्या करेंगे मारेंगे सो दिस इज वॉर इन द वॉर देर इज ऑलवेज किलिंग देर इज नो मर्सी युद्ध में दया नहीं होता है युद्ध में मरना और मारना होता है एंड देर इज नो रनर्स अप इन वॉर युद्ध में इज नॉट लाइक अ बॉक्सिंग चैंपियनशिप और क्रिकेट क्रिकेट व्हाट यू कॉल क्रिकेट गेम फुटबॉल गेम वन इज विनिंग अनदर इज लूजिंग नो देर इज नो रनर्स अप विनर इज विनर लूजर इज लूजर देर इज नो फर्स्ट पोजिशन सेकेंड पोजिशन थर्ड पोजिशन यू वॉन द वॉर इन 1970 वॉर इंडिया वॉन द वॉर Pakistan lost. So you can say India became first and Pakistan became second. No. Loser is loser, winner is winner. So this is war. Amen. To him was given a large sword. Uske baad. Usko ek badi talwar di gayi. It means for what? To make peace? No, to make war. To kill. To shed blood. वो उसको तलवार जो दिया गया था वो एकता और मेल मिलाप कराने के लिए लेकिन मारने के लिए युद्ध करने के लिए एक दूसरे को खत्म करने के लिए So, in war they will kill each other. So, when you hear rumors of war, my daughters are also very upset. They are giving me the numbers, this many babies died. They were innocent. Why these people are killing? I said, this is war beta. It's happening. And it will happen. And it is already in the prophecy in the Bible. Bible mein likha hua to hona hi hai. Amen. Ye to keval kasht, ye dukh ka kya hai, sankat ka kya hai, shuruaat hai. This is the beginning of suffering. Okay? now I'm taking, see, now I'm explaining
that war gate, or what you call horse gate. Now you understood it is what? War. Red ghoda jab bhi lal ghoda aap Bible kehti hai to yuddh ko darshata hai. Red horse always resembles war. Okay? But it is not bloodshed. Ye main yahan par ye, I'm not talking about the physical war. Jo vastavik jo yuddh hota uske vishay mein nahi keh raha hu main. I'm talking in spiritual realm. मैं आत्मिक रहस्य में बातों को यह बताने पर हूं. दैट वॉर और दैट गेट और हॉर्स रिसेंबल्स क्रिश्चियंस वॉरफेयर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर. मसीह लोगों का युद्ध को विषय में बताता है. यू मे नॉट गो एंड फाइट विद द वॉर स्वॉर्ड, यू मे नॉट इन्वॉल्व इन एनी वॉर. आप तलवार को नहीं चलाएंगे, आप कोई भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे, बट एवरी क्रिश्चियन इज इन द वॉर. आमेन. हर एक मसीह लोग दे आर इन्वॉल्व इन अ वॉरफेयर, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वॉरफेयर. हर एक मसीह वो युद्ध में शामिल है, वो युद्ध है आत्मिक युद्ध. आमेन. एंड दिस बैटल इज मोर सीवियर, मोर पावरफुल देन द फिजिकल वॉर. जो ये आत्मिक जो युद्ध है वो भौतिक युद्ध से बहुत ही प्रभावशाली है. एंड दिस वॉर इज सी व्हेन यू से वॉर, दिस वॉर कैन बी वॉर वन कैन बी बिटवीन टू नेशंस. जो आप युद्ध में बोलते हो दो देश के बीच में हो सकता है, बट स्पिरिचुअल वॉर इज बिटवीन गॉड एंड द सैतान. परमेश्वर और शैतान के बीच में यह युद्ध होता है. एंड यू आर गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव्स. आप परमेश्वर अथवा मसीह के क्या हैं? प्रतिनिधित्व है. वी बिलोंग टू हिज किंगडम एंड वी बैटल ऑन हिज बिहाफ. आमेन. हम युद्ध लड़ते हैं और हम परमेश्वर के हैं और उसके प्रतिनिधित्व होके उसकी ओर से हम लड़ते हैं. एंड योर एनिमी इज द डेविल, और आपका शत्रु कौन है? शैतान है. आमीन. एवरी क्रिश्चियन मस्ट नो दैट यू आर इन द स्पिरिचुअल बैटल फील्ड. एवरी क्रिश्चियन मस्ट नो that your enemy, the greatest enemy is the devil, and he is called father of lies, jhoot ka pita, and he knows the schemes. He is the accuser of the brethren. Bhaiyon ko kya karne wala? Dosh lagane wala, jhoot ka pita. और उसके साजिश होते हैं. ही इज वेरी कनिंग, बहुत चलाक है. ही इज कॉल्ड द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड. इस पृथ्वी का ईश्वर कहलाए जाते हैं. एंड ही इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड. यीशु ने कहा द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग बट आई हैव नथिंग विथ हिम. इस संसार का राजकुमार आता है देखो, लेकिन मेरे उसके साथ कुछ भी नहीं. Amen. So you are directly or indirectly, you are involved in a spiritual battlefield. Many times you are failing. Kitne baar aap girte ho, kitne baar you are defeated. You don't know. So you must be aware. You must know his schemes. Amen. Bible says we are more than conquerors. Hum vijeta se bhi badhkar hain. Romans 8:37 I think. We are more than conquerors. Can you repeat after me? We are more than conquerors. Hum vijeta se bhi badhkar hain. Okay? We are more than conquerors. Sikandar Mahan, you know, Alexander Great. At the age of 33 he won half of the world. He had a desire to
win the whole world. And he started. He did. Half of the world, you know, he defeated. And he is called Alexander the Great. Usko kehte hain, kya kehte hain? Matlab Sikandar kehte hain. But spiritually, according to the Bible, you are more than conquerors. You are stronger. Amen. You are more stronger. You are more mighty than Alexander the Great. Ab Sikandar Mahan se bhi mazboot hai. Amen. Hallelujah. Because we are in spiritual battlefield. Now, let us go to Ephesians chapter 6. Is sarhasya ko samajhna ho. Ephesians chapter 6, verse 10 onward, I'm going to read. And better if you give one mic to mic for Hindi, because it's being recorded. Yeah, Pastor Patna, can you come a little forward here and take one microphone? Okay, now I'm going to read. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the whole armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of the righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and sword of the Spirit, which is the word of God. Verse 10, I'm going to read in English and Hindi, slowly, verse by verse, from 10 to 17, we will learn, okay, gradually. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Verse 10. Nidan. Prabhu mein aur uski shakti ke prabhav mein balvant bano. Prabhu aur uski shakti mein kya bane ho? See, you are encouraged. You are warned. You are challenged. Aapko prosan kiya gaya hai. Aapko chetavani di gayi hai. Aur aapko ek chunauti diya gaya hai. Wo kya hai jante hain? Be strong. Kya ho? Balwant ho. Kisme? In the Lord. Amen. If you want to win, see, you are not battling for all. You are not battling for your family. You are not battling for any nation, any tribe, any caste, any creed. Aap kisi ke liye nahi ladte. ये आत्मिक युद्ध है, दूसरे के लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए नहीं है, किसी देश किसी जाति के लिए नहीं है. This war is for yourself and this war is individual. Very dangerous. ये व्यक्तिगत युद्ध है. This personal. This war is you, between you and the devil. ये युद्ध आपके बीच में और शैतान के बीच में है. Amen. And you cannot bring anyone. You cannot blame anyone. Oh, uske wajah se aisa. Hum log kya aate? We are involved in the spiritual warfare. But what we are? You are accusing. You are blaming others. Dusro ko hum dosh de rahe hain. Dusro ko hum kya dete hain? Unko humare beech mein aate. No. Only you and the devil. See, when after the baptism of Jesus Christ, after the baptism
of Jesus Christ, the Bible says the Spirit led him into the wilderness to be tested by the devil. 예수 के बपतिस्मा के बाद आत्मा ने उसके आत्मा ने नहीं पवित्र आत्मा ने the Holy Spirit took him पवित्र आत्मा ने उसे कहां पर जंगल में निर्जन जगह पर वहां पर लेकर गया कि शैतान के साथ उसका क्या हो परीक्षा so you are not fighting you are not using the sword आप तलवार को प्रयोग नहीं करते First of all, your mind is the battlefield. आपका ये जो दिमाग है ना इसको कहते हैं भेजा It's not a very big. It's not less than 1 pound. Half kilo से ज्यादा साइज नहीं होगा But this is super computer. It's sharper, is powerful than the super computer. God has given you that battlefield. When you say heart, not this heart. When the Bible says heart, bolta na, my heart. Your heart is this is only pump. You are not thinking with this. Your this you know this heart where there is always what movements of the blood and the oxygen. Yeh keval pump hai. Because in Greek in those days. There was no another word. As there was circulation of the blood, there was circulation of the memory. When you say cardia, cardia is a Greek word. So cardia is not actually this brain. This is. If you confess with your mouth and believe in your heart, not this heart. But हमारा तो क्या हो गया? हृदय बोलते यहां पर चला जाता हूं माई हार्ट इज पेनिंग यू आर गोइंग इफ योर हार्ट इज पेनिंग यू आर गोइंग टू डाई इफ योर हार्ट इज पेनिंग गो टू द डॉक्टर यो दिस इज योर बेटर फील्ड वेयर देर इज थॉट सोचता कहां से इधर से इधर इधर से सोचता नो हियर देर इज अ कॉल देर इज अ Parts of the brain, there is called CNS, central nervous system. Okay? Suppose you are paralyzed. Your hand is paralyzed. You touch fire. You touch any hot thing. You not sense. आपको पकड़ लो किसी गर्म को भी पकड़ गर्म तावा को पकड़ लो ना आपको नहीं because this part is already dead. It cannot sense. Okay? But, okay, I want to call Ruth, the youngest girl in our fellowship today. Or, Samuel, are you going? No? Samuel is more younger. Okay, Ruth, come. She's in class 10. Very brilliant. Next onwards, she's going to lead The worship, this one, what? Okay, I'm going to give surprise. What she said? Aya, ke bhaiya? What happened? It hurts. How you came to know? Okay. When I say, when I pinched her hand, hand is not telling. Hand is not sensing actually. Brain. There is a, you know, that from that memory, message is going, then only you'll feel pain. The central nervous system through spinal cord, message is going, and you are feeling. When you touch any hot thing, because it's not the hand, it's the central nervous system. Go. So you must be very this one. So, first of all, your thoughts, your thinking, See what you're speaking, everything comes from here. Yahan se aata hai. Amen. You getting me? So when you say heart, ye heart to ani ise. See, doctor says, ek marte hue aadmi ka heart ko nikal do,
मरने के बाद यू इफ यू पुट यू नो गिव ब्लड सर्कुलेशन 70 इयर्स इट विल दैट हार्ट विल व्हाट लिव. मरने के बाद उसको तुरंत क्या दे दो, खून दे दो, वो 70 साल तक वो हार्ट काम करेगा. मैन ऑलरेडी डाइड बट हिज हार्ट इज रनिंग, यू नो द कार्डिया. इसी बोलते इसे क्या है, इधर कार्डिक पेशेंट जो होता है ना, यहां से शुरू होता है. इसीलिए यहां तो ब्रेन स्ट्रोक होता है तो इधर इफेक्ट होता है, यहां पर होता है तो क्या होता है, इधर इफेक्ट होता है. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर ब्रेन. दिस इज योर स्पिरिचुअल बैटल फील्ड. ये आत्मा आत्मा क्या है, आत्मिक युद्ध क्षेत्र है. यहां पर थॉट विल कम हियर, हेलो नथिंग हैपन, टेक डोंट वरी स्मॉल पिक, कुछ नहीं होता. सी स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लेश इज वीक. आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है. फ्रॉम इन साइड गॉड्स यू नो द स्पिरिट इज टेलिंग नो नो सन नो शुड नॉट, नहीं बेटा तुझे पीना नहीं है. फ्रॉम इन साइड लस्ट इज कमिंग. लस्ट मीन्स अंदर से एक ऐसा कहेंगे जिस आपका जो है ना थॉट डिजायर को भी क्या करता है, डोमिनेट कर देता है, अंदर से निकालता है और उसको सप्रेस कर देता है. देन यू आर फोर्स टू गो एंड ड्रिंक, देन आफ्टरवर्ड्स यू विल रिपेंट, व्हाट हैपेंड टू मी, लॉर्ड फॉरगिव मी, लॉर्ड फॉरगिव मी. स्पिरिट वॉज हेल्पिंग यू. रोमन्स 8:26, वी डोंट नो हाउ वी हैव टू प्रे बट द होली स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर वीकनेसेस. हमें कैसी प्रार्थना करनी है हमें नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे कमजोरियों में हमें क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है. आमीन. देयर इज ऑलवेज होली स्पिरिट टू हेल्प यू इफ यू आर लीडेड टू द टेम्पटेशन. सी यू मे देयर आर सो मेनी बैटल्स. यू मे हैव फाइनेंशियल बैटल, आर्थिक आपके जीवन में आर्थिक युद्ध हो सकता है. यू मे हैव फिजिकल, यू मे हैव सिकनेस बैटल, यू मे हैव व्हाट साइकोलॉजिकल डिप्रेशन सुसाइडल. सी यू आर कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड, यू आर अपसेट. सो देर आर सो मेनी बैटल्स. देर मे बी फैमिली बैटल, सो मेनी बैटल विच विल वॉट इज पावर इज ऑलवेज टेंड टू ब्रिंग यू डाउन. वो युद्ध क्या करता है, वो क्या करता है, आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है. इट विल ट्राई टू मेक यू सरेंडर, आपको सरेंडर करने का मजबूर कर देता है. इट विल यू नो इट विल मेक यू टू बो डाउन, नील डाउन बिफोर द सिचुएशन. वो वातावरण, वो परीक्षा के सामने घुटने टिकने के क्या कर देंगे, आपको मजबूर कर देगा वो. बट इफ यू नो दिस स्कीम फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड, इस यदि बात को आप जान लो आज, एंड इफ यू आर वेरी क्लेवर, यदि आप प्रभु में यदि चलाक है, यदि आप इफ यू आर यू नो इफ यू हैव विस्डम ऑफ द लॉर्ड, यदि प्रभु का आपको ज्ञान होना, तो इस बात को आप समझ लो. आप यहां पर कहता है बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी क्रिश्चियन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड इन हिज माइटी पावर. गॉड हैज गिवन यू द पावर. आमीन. परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, सब लोग कहें माइटी पावर. महाशक्ति, माइटी पावर मीन्स मालूम है, महाशक्ति. आपके पास महाशक्ति है, यू डोंट नो द वर्ड विच कम्स आउट, इट हैज पावर. जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं उसमें शक्ति है. आमीन. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. वर्स 11, पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड सो दैट यू कैन मेक स्टैंड अगेंस्ट द डेविल्स स्कीम्स. 11 पद को पढ़ लें. परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो. क्या कर लो, पुट ऑन नो फुल आर्मर. हाथ यतर नहीं कहा यहां पर. हेलो, आई वॉज इन नेवी, इंडियन नेवी फॉर 15 years.
I was in the ship, I was in the submarine, I was in the first nuclear submarine of India, INS Sagar, and the first Nepali who served nuclear submarine in the world for 3 years. I know what is battle, what is, you know, battle rig. हथियार क्या है मुझे मालूम. क्या कहते हैं यहां पर, सारे हथियार, हाथ हथियार को कह लो, पहन लो, बांध लो. ओके, आप इधर ओनली टोपी पहन के चले, हेलमेट लगा के चले गए, ये सिर तो बचेगा लेकिन आपको शरीर उड़ा देगा. सो होल बॉडी मस्ट बी गार्डेड. पूरा शरीर क्या करना है, कवर होना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हेड टू टो, यू मस्ट बी कवर्ड एंड यू मस्ट बी गार्डेड, देन ओनली यू कैन फाइट द वॉर. तो यहां पर जो हाथ हथियार जो कहा गया है उस बात को हम देखेंगे. हालेलुया, यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा आपको. ओके, नाउ पढ़िए. तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको. व्हाट हैपेंस, सो दैट यू मे टेक स्टैंड अगेंस्ट द डेविल्स स्कीम. शैतान की युक्ति, हालेलुया, दैट मींस दिस वॉर इज डेविल्स स्कीम. किसका युक्ति है, किसका चाल है, ये शैतान का चाल है. सी, डेविल डिड नॉट लीव जीसस. शैतान ने यीशु को तो नहीं छोड़ा भाई, एंड ही हैड बैटल फॉर 40 डेज. यू से ओनली ब्रदर और पास्टर, ओनली 40 डेज फास्टिंग. नो, इफ यू रीड बुक ऑफ लुक चैप्टर, आई थिंक चैप्टर 4, यू कैन से दैट डेविल टेम्प्टेड इन हाउ मेनी डेज, 40 डेज ही सेज. कितने दिन, तीन नहीं, केवल तीन ही है तो बड़े बड़े हो गए. 40 दिन तक शैतान यीशु को सताता रहा, और उसमें तीन बार तीन चीज, पहले क्या है, वॉट वॉट वॉज द फर्स्ट टेस्ट, मेक दिस स्टोन इन टू ब्रेड, इस पत्थर को क्या कर दो, रोटी बना. इफ सी, इफ यू आर सन ऑफ गॉड, यदि आप तू परमेश्वर का पुत्र है, सी यू विल ट्राई टू प्रोवोक यू. वो ऐसा ये सच चलाक है, चालू चालू बोलता है ना, चालू, इतना चलाक है. इज कनिंग, ही नो हाउ टू टैकल यू, ही नोज योर वीकनेसेस, एंड ही नोज विच इन विच एरिया यू आर माइटी. जिस में आप शक्त वो है उसमें आपको, सी यू डोंट ड्रिंक, आपका कभी भी पीने का आपके समझ में भी नहीं आता, आपको कभी सोच भी नहीं, शैतान उससे नहीं आपको नहीं करेगा. ही विल टेक होल्ड योर वीकनेसेस. सी, आपको जो कमजोरी है उस कमजोरी को ही क्या करेगा, वो एक युद्ध का साज बना के आपके विरुद्ध में प्रयोग करेगा. एंड द थॉट विल कम एंड यू आर बैटलिंग, करना या नहीं करना, करूं कि ना करूं, शैल आई डू और नॉट, शैल आई टेक इट नॉट. सो यू आर बैटलिंग, सो यू आर डिसाइड वन थिंग, यस और नो. इफ यू फॉलो गॉड्स विल, यू आर विनर. यदि परमेश्वर का जो अगुवाई को आपने मान ली, आप जीत गए. शैतान के चुंगुल में आप फंस गए, उसको आपने हां कह दिया, देन यू आर लॉस्ट द बैटल. एंड इज हैपनिंग, 99% इज हैपनिंग विद द बिलीवर्स, टाइम एंड अगेन, बार बार. समटाइम्स यू आर ब्लेमिंग, अपने आप को आप दोष देते हो, कभी आप पत्नी को दोष देते हो, कभी. सी, व्हेन जॉब वाज बीइंग टेस्टेड, जब अय्यूब का जब परीक्षा हुआ, उसकी पत्नी ने आकर कहा, व्हाई यू बीइंग नाउ स्टिल फेथफुल, व्हाई डोंट यू कर्स गॉड एंड डाई. अभी भी क्यों विश्वासियों का होना चाहता है, परमेश्वर को श्राप और क्या हो जा, मर जा. उसने कहा, बिकॉज ऑफ माई वाइफ, नो, ही डिड नॉट ब्लेम एनीवन, he did not speak against God, he did not, by speaking God he did not sin, the Bible says. Parmeshwar ke viruddh mein bolkar usne, Ayub ne paap nahi kiya. Sometimes you are blaming God. Kai logon ne Parmeshwar ko blame kiya hai, Parmeshwar ko dosh diya hai ki Parmeshwar ne aisa kar diya mere jeevan mein, shaitan ne aisa kar diya. No, this battle is
for your betterment. This battle is, this war is for your blessing. This war is for your upliftment. This war is for the spiritual gifts. ये आपके फायदे के लिए, आपके आशीष के लिए, आत्मिक इनाम के लिए परमेश्वर ये इस प्रकार के क्या होता है, युद्ध आपके जीवन में आता है, आना पड़ेगा. आमीन. यू कैन नॉट से नो टू दिस बैटल. इस युद्ध को आप ना नहीं कह सकते. एवरी ईच एंड वन ऑफ यू, मे बी यंग पीपल, मेनी टाइम्स यू आर टेम्प्टेड, यू आर इन द बैटल फील्ड. आमीन. मेनी टाइम्स छोटे छोटे जो बात है जिसके द्वारा क्या होता है, आपको परीक्षा होता है, ये इसको कहते हैं एक युद्ध है. एंड इट्स वेरी सीवियर, मोर पावरफुल देन द वर्ल्ड वॉर, बिकॉज इट विल रूइन यू. ये आपको नष्ट कर देगा, आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर देगा. इसीलिए यू मस्ट बी वेरी केयरफुल. देन व्हाट हैपेंस, फॉर आवर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड. सी, हमारा जो आत्मिक युद्ध क्या नहीं है, 12 पद, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं. लहू और मांस, आवर वॉर इज नॉट अगेंस्ट द फ्लेश एंड द ब्लड. किसी मनुष्य के साथ नहीं है, किसी हिंदू का साथ नहीं है, किसी मुस्लिम का साथ नहीं है, किस जातित्व के इसमें नहीं है, किसी देश के विरुद्ध में नहीं है. इज नॉट फिजिकल. योर वॉर इज नॉट फिजिकल बट इट्स स्पिरिचुअल. ये आत्मिक युद्ध है, इसीलिए ये मल्ल युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं है. ओके, ओके. देन परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से. देयर फोर डिविजन्स, देयर आर फोर डिविजन. हाउ मेनी डिविजन्स, रिपीट आफ्टर मी, हाउ मेनी डिविजन्स. कितने विभाग है शैतान के? 4 विभाग है. डेविल इज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. शैतान ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर है, आपका लीडरशिप, आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा उसके सामने. ही नोज हाउ टू रूल, ही इज रूलर ऑफ द वर्ल्ड. यीशु ने कहा रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग. शैतान का शासक आ रहा है, यीशु ने नहीं कहा. बट दिस वर्ल्ड जीसस आफ्टर हिज व्हाट, आफ्टर हिज क्रूसिफिक्शन, आफ्टर हिज रेजरेक्शन, जीसस सेड ऑल द ऑथोरिटी ऑफ हेवन एंड अर्थ इज गिवन अनटू मी. स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यीशु ने कहा. लेकिन शैतान उसको यस नहीं कहा. यू गॉट मी? शैतान ने हां नहीं कहा अभी तक. शैतान ऐसा हार मारने वाला नहीं. आप याद रखो, यदि शैतान हार मारता ना, मानता, तो ये सब जो भी जो हादसाएं हो रहे हैं, अशांति हो रहे हैं, ये सब नहीं होता. ही इज स्टिल, ही इज व्हाट इज सो, व्हाट यू कॉल, ही इज सो इतने क्या बोलते, कठोर, जिद्दी, ही इज हार्डन. इजीली ही इज नॉट. कब? ही नो, उसका मालूम है उसका समय कम है. बाइबल कहता है ही नोज हिज टाइम इज शॉर्ट. से मालूम है ये छोटे समय में ही वो सब कुछ करना चाहता है. आमीन. डेविल इज द लायर, द लॉर्ड इज माय हीलर, द लॉर्ड इज माय हीलर. डेविल इज द लायर, द लॉर्ड इज माय हीलर, The Lord is my healer. शैतान है झूठा, परमेश्वर है सच्चा, चंगाई करने वाला. शैतान है झूठा. आमीन. ही विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू. नो, दिस विल मेक यू वाइज. इफ यू ईट दिस फ्रूट यू विल बिकम लाइक गॉड. See, he know how to manipulate. कैसा आपको मनाना है, किस प्रकार आपको ट्विस्ट करना है, वो जानता है. यदि तुम इस फल को खाओगे ना, परमेश्वर को मालूम है कि तुम परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे. कौन परमेश्वर का तुल्य होना नहीं चाहता? So, क्या हो गया?
See, you are trapped in his wonder. You are trapped in his planning. आप उसके चुंगुल में क्या जाते हो? फंस जाते हो. So be careful. Okay? This topic is not easy, not short. इतना easy नहीं है. समझ देखिए. I can teach on spiritual warfare for many days. In month of January, I am going to teach on this topic for 3 days in a Bible leadership in Darjeeling. Spiritual warfare. You're going? Going? He's going as a student. Okay, then. Okay, sorry. How many divisions? किसके विभाग है? आपसे ध्यान देना आज. First, पहला क्या लिखा? English in another version. Somebody in English and Hindi. मैं पढ़ू लेकिन मुझे मजा नहीं है. मेरा ये न्यू किंग से नॉट अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड बट अगेंस्ट प्रिंसिपलिटीज अगेंस्ट द प्रिंसिपलिटीज प्रधानताओं कितने प्रधानताएं अगेंस्ट पावर्स एंड पावर्स अधिकारियों शक्तियों के विरुद्ध में ओके अगेंस्ट द रूलर्स अगेंस्ट द रूलर्स हाकिमों के विरुद्ध में स्पिरिचुअल विकेडनेस आत्मिक सेना हिंदी में पढ़ दे हिंदी में ये भाई आप पढ़े क्योंकि हमारा ये भाई को पढ़ने दीजिए एक बार क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस यू आर नॉट इन्वॉल्व फिजिकली दैट मीन्स क्लियर ओके परंतु प्रधानों से क्या पहला कौन सा पहला कौन है पहला विभाग प्रधानता में प्रिंसिपालिटीज हु इज रूलिंग इंडिया हु इज नंबर वन सिटीजन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हु कम्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर उसके बाद क्या होगा उसका कैबिनेट सो सेंट्रल कैबिनेट पूरा एक केंद्रीय एक क्या है केंद्रीय मंत्री लोग हैं जो देश को क्या करता है चलाता है ओके They call principality. Satan itna chala. Akela nahi. He is not only the ruler. He made systems so, so systematic. Uska jo raj karne ka tarika itna sahaj hai, itna achha hai, ki wo maje se kya karta, aaram karta hai. See, devil is not testing you personally. Satan, aap Satan bolte, aap Satan ke saamne ja nahi sakte. Satan aapke saamne aane ki zarurat bhi nahi hai. Not required. शैतान का सा एक उसका छोटा एक चेला आ गया ना एक छोटा क्या एक फौजी आ गया खत्म आप उस लेवल में नहीं है यू आर नॉट लेवल टू द डेविल सो ही विल नॉट कम अगेंस्ट यू एंड ही विल स्पीक टू यू लाइक जॉब ही विल नॉट कम एंड स्पीक टू यू लाइक जीसस नो उसका लेवल वो था इसीलिए क्या होता जानते हैं युद्ध में क्या होता है वेन यू वॉन्ट इफ वन जनरल इज सरेंडरिंग When a general is defeated, यदि एक देश हार जाता है उसको उसका जो जो क्या कहते हैं मुखिया जो है कमांडर हो या तो जो जनरल है उसको पकड़ने आने के लिए सिंपली फौजी जाकर उसका हैंडकप नहीं लगा सकते यू आर स्मॉल सोल्जर यू कैनॉट गो एंड हैंडकप इन उसके लेवल में जाना पड़ता है और उसके साथ फौजी जाता है उसका इज्जत के साथ उसको क्या करना पड़ता है सरेंडर कराना पड़ता है ओके ऐसे जाके जब पकड़े उसको वो चोर नहीं है वो ही इज कमांडर इन चीफ उसका इज्जत है उसका उस लेवल में जाना पड़ता है और उसको सरेंडर करना पड़ता है उसी लेवल में मेरा पास्टर कहते थे जो अभी संसार में नहीं है ऐसे ही हिटलर को पकड़ने के लिए आ गया हिटलर डिफीट हो गया ना हिटलर को पकड़ने आया तो ऐसा सिचुएशन आया उसको जब पकड़ने के लिए आया तो जब उसके सामने गया कौन फौजी पकड़ने गया हिटलर ने क्या बोला राइट बट्टा पीछे मुड़ बोला जो पकड़ने गया तो पीछे मुड़ गया यू गॉट मी जो उसको पकड़ने के लिए गया था ना
हैंडकफ लगाने गया था, पकड़ने अरेस्ट करने गया था, हिटलर ने कहा पीछे मुड़, बोला वो भूल गया कौन आगे दे रहा है, एंड देयर वाज पावर इन हिज कमांड, पीछे मुड़, दोनों पीछे मुड़ गए। इसीलिए शैतान क्या करते मालूम है, एक एक देश के ऊपर, एक एक देश, ठीक भारत के ऊपर, भारत का क्या करते, एक ठीक उसका साइज में, उसी शेप में एक देश बनाया। लिसन, आई एम टॉकिंग स्पिरिचुअल रियलम, मैं यहां पर बहुत आत्मिक बात कर रहा हूं। मैं ठीक भारत के ऊपर, भारत का मैप को सेम ऊपर, चाइना नहीं, वो चाइना, ये सब फिजिकल, ठीक उसके ऊपर स्वर्ग में, ही इज नॉट, एंड डेविल इज नॉट इन द हेल, सॉरी, शैतान कहां पर है, नरक में, आयो आई एम डाइंग, शैतान इज टर्निंग, वो ही इज सो बैड, ही इज लाइक अ रोरिंग लायन, इतना इजी है उसको। आई एम सीन, आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग डेविल, बट आई एम टेलिंग यू, नो योर पावर, देन ओनली नो यू विल नो हिज पावर। आपके शक्ति को मालूम होना तभी जाकर उसके शक्ति को आप कर सकते हो। डोंट अंडर एस्टीम योर एनिमी, कभी भी आपके शत्रु को क्या ना सोचना, कमजोर ना समझना। ओके ओके, नाउ शैतान ने क्या कर दिया, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर, कहां पर, डिफेंस मिनिस्टर, कहां पर, वो नहीं, ये मैं मोदी का बात नहीं कर रहा हूं बाबा, शैतान का मोदी है उधर, हेलो ऊपर, ही हैज ओन प्रिंसिपल, उसका अपने अपने ठीक ऊपर। ओके, आई एम टेलिंग, आई एम प्रूविंग, आई विल प्रूव यू, मैं आपको प्रूव करूंगा। और वो हो गया, देश को चलाता है, देन प्रधानताएं, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस की आत्मिक से दूसरी दूसरा दूसरा सेकंड प्रधान के बाद, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों, संसार के अंधकार के हाकिमों, गवर्नर्स। ओके, देश को किस में बांटा गया, स्टेट में, किस में, स्टेट, और स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। नेपाल में कितने स्टेट्स हैं, कौन से, हाँ, सात, और सेवन स्टेट्स, हाँ सेवन स्टेट, हाउ मेनी, हाउ मेनी दिस वन डिस्ट्रिक्ट, 75 समथिंग, 77 डिस्ट्रिक्ट्स। इंडिया हैज हाउ मेनी स्टेट्स, 28, 29, I feel 29, I think. Hello, girls. Yeah, see, I'm not older. 29 states and TS, 10 union territories are there. See, I am, because I know history, I know geography, I know Bible. इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान तो है. Okay? इसीलिए fresh up your knowledge. सभी लोग पढ़ा लिखा नहीं है, क्या है, have knowledge. हर क्षेत्र में क्या है, नॉलेज रखो, आमेन, इट्स गुड फॉर यू, गुड फॉर यू एंड गुड फॉर योर चिल्ड्रन, गुड योर फैमिली, गुड फॉर योर कम्युनिटी, गुड फॉर द नेशन। ओके, सो प्रधानता मीन्स, फिर क्या कर दिया उसने, देश को किस में बांट दिया, राज्य में बांट दिया उसने। हेलो, गेटिंग मी, देश को क्या कर दिया उसने, राज्य को बांट दिया है। ओके, क्या कर दिया, राज्य को बांट दिया। सी, एज्यूम, इंडिया का ठीक ऊपर ऐसे ऐसे क्या कर दिया, बांट दिया। आई एम ब्रिंग एग्जाम्पल्स नाउ, थोड़े समय में लेके आऊ। देन थर्ड, हाकिमों, देन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, दुष्टता आत्मिक सेना, वो तो फोर्थ हो गया, हाकिम। तीसरा क्या है, हाकिम, उसमें क्या लिखा है इन इंग्लिश, रूलर्स, नो, गवर्नर्स एंड हाकिमो, देन इन इंग्लिश रूलर्स, रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंधकार के कौन, हाकिम। ओके,
फर्स्ट प्रिंसिपैलिटीज प्रधानताएं, देन पावर्स मीन्स दूसरा क्या था, अधिकारी, अधिकारी लिखा, अधिकारी को सी डिफेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी, एंड दे थ्री आर, दे थ्री हैव कमांडिंग चीफ, ओके, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल एंड जनरल, अभी उसके ऊपर भी एक लगा दिया है प्रेसिडेंट, ही इज कमांडिंग, इज सुप्रीम कमांडर ऑफ, इट्स ओके, सो उसको भी क्या कर दिया, रूलर्स मीन्स उसके बाद जितने भी शासन करते हैं, ओके, कितने क्या करते हैं, शासन करते हैं, दोज़ रूल द डिफेंस एयरफोर्स, एनीथिंग हैपेंस और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस, दिस ऑल आर क्या, रूल करने के लिए, दे आर रूलिंग, देन व्हाट हैपेंड, फोर्थ दुष्टता के आत्मिक सेना, दैट मींस जो आकाश में, कहां पर, स्पिरिचुअल विकेटनेस, आर्मी सेना लिखा वहां पर, सेना, सेना माने सेना कौन, उसके बाद जितने भी है आप पंचायत उसमें लगा दो, कॉर्पोरेट्स लगा लो, जो कि ये सब क्या है, सेना लोग, छोटा छोटा है, सो डेविल हैज सेम व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन, किधर, ऊपर, और ये कहां पर लिखा है, नरक में, स्वर्ग, क्या लिखा है वहां पर, आकाश में, कहां पर, इन हेवनली प्लेसेस, कहां पर, इन हाई प्लेसेस, ऊपर आकाश में, पृथ्वी पर नहीं, कहां पर, आकाश में, मींस सो ही हैज मेड सेम, वन डे यू नो रेनार्ड बोंके, नहीं, वन मैन ऑफ गॉड लिव मैर, रेनार्ड बोंके उसको छोड़िए, एक प्रभु का दास, वन मैन ऑफ गॉड वेंट टू प्रीच एंड through him God was doing miracles and wonders, parmeshwar uske dar mahaan kaam kar raha tha, so one day he went for a big meeting and it was a big crusade, and he saw on the first day very less people, bahut kam log aaye, he was expecting thousands, only few hundred people came, what happened, bahut kam log aaye, kya hua, then he went night time and he was sleeping, sote sote kya hua malum hai, wo uska jo bed hai na bed aisa hila raha hu, aisa dekha to usne dekh liya, kisko dekha, shaitan ko dekha, shaitan mane aap us jagah ka, usko khinch ke le ja raha hu, trouble kar raha hu usko, kya bola, jab dekha na, then ask him who are you, he said I am ruler of this area, main is area ka kya hu, main shasak hu, tomorrow you must leave this place, kal is jagah ko chhod kar jana hai, nahi to dekh ye mera area hai, yahan par ishu ka naam ka prachar nahi kar sakta, he cannot preach in the name of Jesus, this is my place, people are hard, you know why people are hardened, log aaj sushamachar sunane kyun nahi de rahe hain, logon ko police mein pakad kyun raha malum hai, shaitan logon ko kathor bana raha hai, so समझ गया, then what he did, you know, उसका कोई युद्ध नहीं हुआ, he started praying in tongues, अन्य भाषा में क्या करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा, कर रहा था तो थोड़े देर में वो वहां से भाग गया, क्या हो गया, वो वहां से क्या हो गया, वो भाग गया, you know what happened next day, all people came in multitude, भीड़ के भीड़ लोग आए, amen, hallelujah, it's true story. When Daniel was fasting for 21 days, Daniel ने जब 21 दिन प्रार्थना किया उपवास के साथ, किसको जानने के लिए, 79 weeks, 69 सप्ताह के लिए, जो 70 weeks अथवा 70 सप्ताह के बीच में जानने के लिए, जब उसने जो उपवास किया, on 21 day, on 21st day reply is coming, 21वें दिन में एक जवाब आता है, किसके पास, Daniel के पास, कौन आता है, Gabriel. गब्रेल कहता है, डैनियल परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुनी, गॉड हर्ड योर प्रेयर ऑन द फर्स्ट डे, आई वॉज कमिंग टू डिलीवर द मैसेज, टू टेल यू द मैसेज, उसका रिलम, उसका रहस्य को बताने के लिए मैं ऊपर से आ रहा था, फारस देश का राजा ने मुझे रोक लिया, वो
द किंग ऑफ पर्शिया कॉट मी, कौन? पारस देश का राजा कौन है भाई? ऐसे सोचेगा तो शायद पारस देश का राजा जो जिसमें राजगद्दी में बैठता वो नहीं, ऑन टॉप इन स्काई फारस देश का राजा, शैतान ने भी ये क्या बनाया है, फारस देश का एक बना है, उसको क्या कर लिया, डैनियल किसको, गब्रियल को रोक कर रखा, उसको पकड़ के रखा, एंड हु केम टू रिलीज हिम, माइकल द आर्क एंजल माइकल केम टू रिलीज हिम, माइकल स्वर्ग, क्योंकि फाइटिंग किसका बिजनेस है, गब्रियल का नहीं, माइकल का, सो माइकल माइकल का, ही इज एंजल ऑफ वॉर, सो ही केम एंड ही रिलीज हिम, उसके बाद गब्रियल किसके पास आया, डैनियल के पास आया और कहा कि पूरा अर्थ बताया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 70 वीक्स, फिर कहता है वो डैनियल को कहता है, नाउ आई एम गोइंग बैक अगेन, द किंग ऑफ पर्शिया विल ट्रबल मी, मुझे जाते जाते क्या करेगा, कौन रुकेगा, ये दिस इज नॉट फिजिकल, ये जो रूलर द किंग ऑफ पर्शिया जो है ना, दिस इज नॉट फिजिकल स्पिरिचुअल, मैं आ रहा था ऊपर से, व्हेन आई एम कमिंग हु, किंग ऑफ पर्शिया कॉट हिम, किसने, पर्शिया का राजा ने मुझे क्या कर दिया, रोक लिया, इसका मतलब सैतान हैज मेड हिज किंगडम इन हाईली प्लेसेस, हेवनली प्लेसेस, ऊपर, नरक में नहीं है वो, नरक में वो बर्बस नहीं है, वहां पर है वो बांध कर उसने देखा, ओनली द फॉलन एंजल्स आर देयर इन द बॉटमलेस पिट, रेस्ट ऑल ही नोज हाउ टू रूल, एंड ही सेज, इट सेज कहां पर, कहां पर, स्वर्ग स्थानों में, आकाश में, हाई प्लेसेस, ओके, इसीलिए यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, डेविल हैज फोर डिविजन्स सिस्टमैटिक, इसीलिए छोटे छोटे विश्वासी के सामने शैतान आता नहीं, एक छोटा उसका गुर्गा कहते हैं इन डॉन लैंग्वेज, गुर्गा यू नो, उसका छोटा भाई एक आ जाए तो खत्म, नॉट एजेंट, उसका कहता ना, डू यू थिंक फॉर एवरी वॉर डाउड इब्राहिम विल कम, ही इज हाइडिंग समवेयर, स्टिल ही इज अलाइव, वो छोटा छोटा को बेचता है, चमचे को, करेक्ट, छोटे छोटे वैसे ही शैतान छोटे मोटे विश्वासी को बेचते हैं, जरूरत नहीं भाई शैतान आने का, उसका छोटा मोटा चमचा काफी, पहले उसको जीतो, देन लेवल विल इंक्रीज, लेवल विल इंक्रीज, इसीलिए अय्यूब किसके साथ, डायरेक्ट फाइट विद द डेवल, यीशु का फाइट किसका, डायरेक्ट शैतान के साथ, उसका छोटा मोटा नहीं, ओके, सो मैं आज यहां पर रखूंगा, अभी यहां पर मैं फोर डिविजन बताया, उसके बाद व्हाट आर द वेपन्स, दिस इज कंटिन्यूइंग नेक्स्ट वीक, ओके, दिस विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक, यू गॉट मी, ओके, यू कैन स्टॉप.